मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। हिंदुस्तान कदीम जमाने से सूफी संतों का मरकज रहा है। इन सूफिया इकराम ने हमेशा आपसी मोहब्बत, अमन और इंसानियत के पैगाम को आम करने का काम किया है। अगर इन बुजुर्गों की तालीमात का जिक्र किया जाए तो इन सभी ने हमेशा बिला मजहब व तफरीक सभी को मिलजुल कर रहने पर जोर दिया। हमारे मुल्क में कई नामवर सूफिया इकराम हुए हैं जिन्होंने इंसानियत की बुनियाद को मजबूत करने में एक अहम रोल अदा किया है। इन्हीं में एक अहम नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ये दरगाह तोड़ने का नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का विषय है और ये त्यौहार जोड़ने के लिए हम 719 चिराग यहाँ रोशन कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का 719वां उर्स आने वाला है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, जो भी इसे देख रहे हैं, मोहब्बत, अमन, भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले बने, बहकने वाले नहीं, महकने वाले बने। सांप्रदायिकता, कट्टरता को ख़त्म करें और सत्य का बोलबाला हो, यही संदेश देने के लिए हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में दीपोत्सव जश्न चिरागा मनाने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम कारकुन पदाधिकारी यहां पर जमा हुए हैं। इस एक नई पहल को आगे बढ़ावा देने के लिए सभी से गुजारिश करती हूं और उसी से मैं कहते हुए आगे बढ़ती हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसता हमारा। और साथ ही आप सभी जानते हैं कि ये हज़रत निज़ामुद्दीन जैसे औलिया या कोई और बहुत बड़े पीर फकीर या फिर किसी भी मंदिर, मस्जिद, कहीं पर भी आप जाइए तो ये भारत की सभ्यता है कि हम हर एक नेक और एक अच्छी चीज़ की शुरुआत अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से लेते हैं। सूफी तालीमात का जब भी जिक्र होता है तो सभी मजाहिब में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम बहुत ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। इस दुनिया से रुखसत होने के बावजूद आज भी उनका आस्ताना आपसी मोहब्बत को आम करने में नुमाया रोल अदा कर रहा है। इस ज़िम्न में गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम राष्ट्र मंच के ज़ेर एहतमाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जश्न चरागा के उनवान से जश्न मनाया गया, जिसमें 719 चराग रोशन करके ये पैगाम आम किया गया कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अमन कायम करने में हमेशा कोशा रहा है। इस जश्न चरागा में आरएसएस के सीनियर लीडर और मुस्लिम राष्ट्र मंच के सरप्रस्त इंद्रेश कुमार की रहनुमाई में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़ियारत की गई और 719 दीपक रोशन किए गए। इस मौके पर इंद्रेश कुमार ने मुल्क की यकजहती और मजबूती के लिए दुआ की और भाईचारे और कौमी इत्तेहाद का पैगाम दिया। पिछले एक दो वर्षों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और अन्य अनेक संस्थाओं के कार्यकर्ता और निज़ामुद्दीन औलिया की यह पवित्र दरगाह मिलकर इन दिनों में दीपोत्सव करती हैं। सैकड़ों से हजारों में दीप जलते हैं। अगली बार से मैं कहूँगा कम से कम 1100 दिए जरूर जलें और हर साल 100-100, 200-200, 300-300 दिए बढ़ाते जाएं। एक दिन आएगा जब ये सारी दरगाह 1,00,000 से भी अधिक दियों से जगमगाएगी, तो इस प्रकार का बने ताकि हर एक के दिल दिमाग में, गली मोहल्ले में फैला हुआ अंधेरा जाए और रोशनी आए। रोशनी का मतलब होता है सज्जनता, रोशनी का मतलब होता है नरी इंसानियत, रोशनी का मतलब होता है फरिश्ताई, इसलिए अंधेरे का मतलब होता है जुल्म और कहीं ना कहीं बर्बादी और तन्हाई। इसलिए
यह पैगाम है कि इस देश के हर जात मजहब भाषा बोली का आदमी कौन है, तो हम सब मालिक ने हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी बनाया था, बनाया है और बनाए रखेगा। जो भटक गए वो रास्ते पर आए, आगे कोई भटके और भटकाए नहीं, इसकी सावधानी रखते हुए यही पैगाम है कि यह देश दुनिया में सबका सम्मान करता है और ऐसा ही सबका सम्मान करने वाला यह देश तेज गति से आगे बढ़े। हम जात से, मजहब से, दल से या किसी और चीज़ से कितने भी अलग अलग होंगे, परंतु हमें देश जोड़ता है, माँ और मादरे वतन जोड़ता है, हमें तहजीब जोड़ती है, पुरखे जोड़ते हैं। मजहब कोई भी हो सकता है, परंतु पुरखे तब्दील नहीं हो सकते। हम सब पुरखों से एक हैं, वतन से एक है, जाति गोत्र से एक हैं, परंपराओं से एक हैं। हमारी जड़ें ना अरब और तुर्किस्तान में, हमारी जड़ें हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में थी, हैं और सदा बनी रहेंगी। हमें जब भी सपना आता है, चीनी रूसी में नहीं आता, अरबी तुर्की में नहीं आता, अंग्रेजी लैटिन में नहीं आता, रोमन ग्रीक इटालियन में नहीं आता, हम सबको सपना हमेशा हिंदुस्तानी भाषा बोली में आता है, हिंदुस्तानी में आता है। इसलिए मालिक शक्लों से कहता है तुम सब हिंदुस्तानी हो, सपनों की भाषा से कहता है तुम सब हिंदुस्तानी हो। हम हिंदुस्तानी थे, हैं, इस रूप में जिएंगे। यही आज के त्यौहार का निजामुद्दीन से, इस पवित्र स्थान से संदेश है। इसी संदेश को जन जन में जाए, 26 जनवरी और 15 अगस्त को मदरसों और मोहल्लों में और ऐसे सारे स्थानों पर तिरंगा लहराएं, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान का पैगाम दें और उसके साथ साथ अपने देश का गाना गाकर जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको खरीजे इगादत पेश करें, ताकि उनकी कुर्बानियों से हमारी इज्जत और आज़ादी है। ऐसे ही अब एक दूसरा प्रोग्राम ने लॉन्च किया है कि औरत से रिश्ते कैसे हों। इस्लाम में कहा गया माँ के कदमों में जन्नत है, सनातन में कहा ईश्वर के बाद इंसान की ज़िंदगी में माँ का ही स्थान होता है, माँ ईश्वर रूप में होती है। मजहब में, जात में, जुबान में और दलों में बांटने वालों से सब सावधान रहें। हम बटने के लिए नहीं हैं, हम मालिक ने एक होने के लिए भेजा है। आवाज़ दो, हम एक हैं। जो बांटेगा वो हारेगा, जो प्रेम बढ़ाएगा और मिलाएगा उसी की जय जयकार होगी। इस मौके पर माशरे के दीगर नुमाइंदा अफराद ने भी मुल्क में अमन कायम करने के लिए दुआ की। देखिए असल क्या है कि कहाँ से कि ये जो दरबार है ये माशाल्लाह गंगा जमुनी की तहसीब भी है, कि हज़रत महबूब इलाही ने जो पैगाम दिया वो दिया है मोहब्बत का, कि आपका नाम जो है वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया मशहूर है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमत अलैह महबूब इलाही जरी ज़र बख्श। और इस दरबार में, इस बारगाह के अंदर जो भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता। और ख़ास तौर से आप ये देखिए कि माशाल्लाह जैसे मेरे बड़े भाई ने अभी मत्था टेका है और आपने देखा दिए जलाए हैं, ये जो है एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ी जो है कि क्या इसका एक जिसको कहते हैं मैसेज, पूरी दुनिया नहीं पूरी हिंदू पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है कि क्या इसका कि आपने जो है ये दिए जो यहाँ दरबारशी के अंदर जलाए हैं, ओपन जो करे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि क्या इसका कोई दिए जलाने एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी के दरबारशी में, किसी के घर के अंदर, किसी उसके अंदर महल के अंदर या किसी दरबार के अंदर आप दिए जला रहे हैं, रोशनी जला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी तरह मेरे बड़े भाई ने जो है ये दिए जलाए, पैगाम मोहब्बत का दिया है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को,
और बस मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो मेरे बड़े भाई जिस मौके पर प्रोग्राम से यहाँ दरबारशी में आए हैं, जिस तरह से चादर चढ़ाई है, जिस तरह से यहाँ दुआ हुई हज़रत के पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि अल्लाह ताला बस इसी तरह पूरा हमारा हिंदुस्तान जगमगाता रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे, और हिंदुस्तान में हमारे जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, अल्लाह सबको खुश रखे परवरदिगार रब्बुल आलमीन, और सब में मोहब्बत पैदा अदा फरमाए, और हज़रत की दुआ से हज़रत के वसीले से अल्लाह सबकी झोलियाँ भरे। 719 दिए जला करके यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने का जो ये काम किया है, मैं उसके लिए अपने सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। दरगाह पर ये यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है, यहाँ दशहरा भी मनाया जाता है, यहाँ होली भी मनाई जाती है, यहाँ ईद भी मनाई जाती है, यहाँ रमज़ान और मुबारक के मौके पर तमाम लोग इकट्ठा भी हुआ करते हैं। तो ये जो देश में गंगा जमुनी तहजीब का जो गहवारा है, जो एक फूलों का गुलदस्ता जो मेरा भारत है, जिसमें तरह तरह के फूल हैं, हर तरह के मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो यहाँ पर बिल्कुल हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर देखने को मिलती है। अपने मैं अल्लामा इकबाल के शेर से मैं पूरा करूँगा, मज़हब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में बड़ी अजीम परंपरा मानी जाती है, उस परंपरा को हजरत निज़ामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरो की दरगाह में वो चीज़ दिखाई देती है। आज 800 साल बाद भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन भाई तमाम मजहब के मानने वाले लोग यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब वाली जगह है, क्योंकि आज बहुत सारे कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम एक ख़ास मजहब के हैं तो हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम एक ख़ास मजहब के हैं तो हम होली नहीं मनाएंगे, एक ख़ास मजहब के हैं तो हम ईद या क्रिसमस नहीं मनाएंगे। लेकिन ये वो दर है जहाँ पर तमाम त्यौहार खुले दिल से मनाए जाते हैं। गंगा और जमुना का मिलन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, महबूबे इलाही की दरगाह में हमें देखने को मिल रहा है। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, अपना तो बस काम मोहब्बत, और हम तो करते हैं सभी से अल्लाह हो या राम मोहब्बत। तुम जाओ तीरथ को यारो, अपने चारों धाम मोहब्बत, तुम पीते नफरत का प्याला, अपना तो हर जाम मोहब्बत, तेरी खातिर ही जिंदा हूँ, बारंबार सलाम मोहब्बत, बारंबार सलाम मोहब्बत। भाईचारे का नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि ये मोहब्बत वाले लोगों की महफिल है, ये पाक लोगों की महफिल है,
ये अल्लाह को मानने वाले लोगों की महफिल है, ये जोड़ने वाले लोगों की महफिल है। आज पूरे हिंदुस्तान को, जो कि कुछ राजनेता और कुछ फिरका परस्त लोग धर्म, मजहब, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांट रहे हैं, उन सब को दूर कर इस देश को पुनः जोड़ने की आवश्यकता है। और हम जोड़ने के लिए ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक भाईचारे का मरकज यहाँ पर है कि तुम सियासत करते रहो, हमारा तो ईमान, धर्म, हमारा सब कुछ मोहब्बत है। उस मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने के लिए महबूब इलाही की दरगाह में हम यहाँ पर खड़े हुए। और मैं तमाम हिंदुस्तान के भाइयों को और दुनिया के भाइयों बहनों को मैसेज देना चाहता हूँ, हर किसी त्यौहार को मनाइए, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होइए, कट्टर लोगों के बहकावे में मत आइए कि इसका त्यौहार मत मनाओ, उसकी मिठाई मत खाओ, उसका शिरखुरमा मत खाओ। बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, महकाने वाले हमें बनना है, जोड़ने वाले हमें बनना है। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह की तकरीबात से न सिर्फ आपसी मेल जोल से रहने की सूफिया इकराम की तालीमात को फरोग मिलता है, बल्कि इसके अलावा मुल्क में अमनो अमान की फिजा भी आम होती है।